जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, पार्टियों में बदलाव भी नजर आता चला जा रहा है। बहुजन समाज के अंदर एक और हुक्म का इक्का जुड़ा, जेडीएस के नाता तोड़ थामा बसपा का हाथ। लोकसभा चुनाव में पहले दानिश अली शनिवार को बसपा में शामिल हो गए, जेडीएस के महासचिव रहे अली पार्टी छोड़ने के बाद बसपा में शामिल हुए। इस दौरान बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद थे। अली ने इस मौके पर कहा कि वह उत्तर प्रदेश में हापुड़ में रहने वाले हैं, लेकिन यहां जेडीएस को जमा नहीं सके, अब वह प्रदेश में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जेडीएस उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठन ढांचा नहीं है। इसी बीच बसपा सूत्रों ने बताया कि अली को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा से सीट प्रत्याशी बनाया जाने की संभावना है। अली अपने आप में मुस्लिम समाज के अंदर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और उनकी फेस वैल्यू इतनी अच्छी है कि कहीं भी अपने समाज के लोगों को एकत्रित करने में बहुत मजबूत साबित होते हैं। गठजोड़ की राजनीति पूरी चल रही है और जिसमें सर्व समाज को टिकट देने का बहन कुमारी मायावती ने मन बना रखा है, उसी को देखते हुए मुस्लिम समाज को बराबर की हिस्सेदारी देने का भी मन बना लिया है बहन कुमारी मायावती ने। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पर सबसे पहले।